सन 1971 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि कैदी या जेल कर्मी बनना कैसे किसी इंसान को साइकोलॉजिकल प्रभावित करता है। लोकल कम्युनिटी के कुछ स्टूडेंट्स को $15 प्रतिदिन का ऑफर देकर इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हायर किया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाकर इन हायर किए गए स्टूडेंट्स में से कुछ को कैदी और कुछ को जेल कर्मी बनाया जाता है। जेल कर्मी बनाए गए लोगों को प्रॉपर जेल कर्मी का यूनिफॉर्म भी दिया जाता है और कैदियों को भागने से रोकने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यह एक्सपेरिमेंट 2 सप्ताह तक चलना था। एक्सपेरिमेंट के शुरू होने के दूसरे ही दिन जेल कर्मी बनाए गए लोग कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। इसके रिस्पांस में कैदी बने लोग जेल कर्मियों के साथ भी बदसलूकी करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हायर किए गए इन जेल कर्मियों का काम कैदियों को भागने से रोकना था, लेकिन ये जेल कर्मी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। कैदियों के प्रति यह क्रूर हो जाते हैं। उनके खाने और कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध लगाने लगते हैं। 5वें दिन कैदी बने लोगों के पेरेंट्स और कुछ और विजिटर्स इस प्रिजन का जायजा लेने आते हैं और यहाँ का सिचुएशन देखकर यह एक्सपेरिमेंट बंद करने की मांग करते हैं। और 6वें दिन पेरेंट्स की मांग और जेल कर्मियों के क्रूर स्वभाव को देखकर जिम्बार्डो को यह एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ता है।